खरगोन जिले में खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के भविष्य के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रतिभाओं के निखारने के लिए पूर्व सैनिक सतत प्रयासरत हैं। इसी क्रम में सैनिक समिति के सानिध्य में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन तकरीबन 20 से अधिक टीमें प्रतिभागी बनी और शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे दिन इंदौर, भिंड, झाबुआ सहित अन्य जिलों की टीम खरगोन पहुंची और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। टूर्नामेंट पूरा आयोजित किया जा रहा है जिला पूर्व सैनिक समिति और खरगोन जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है, ताकि खरगोन के खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिल पाए बाहर के खिलाड़ियों के कॉम्पिटिशन को देखते हुए। बाकी बाहर के जिलों की भी टीमें आ रही हैं सभी जिलों से। कितने दिन का है ये? करीब 11 मार्च से स्टार्ट है और 14 मार्च से खत्म होगा। क्या नाम है आप? अमित कौशल। हमारा ये उद्देश्य है कि जो हमारे खरगोन जिले के खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभावान खिलाड़ी है, उनका प्रतिभावान को बाहर लाना है, उनको आगे यहाँ से ले जाना है। आज इस प्रतियोगिता में हमारे धार, मुरैना, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, खेतिया, आसपास के सभी जिलों के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर। क्या मतलब कब से आयोजन है? ये आयोजन आज 11 मार्च से स्टार्ट है और 14 मार्च में उसका फाइनल शाम को 7 बजे से रहेगा। ये पहली बार है क्या? नहीं, ये हमारा दूसरा साल है जिला पूर्व सैनिक समिति के तत्वावधान में, हमारा दूसरा साल है। जैसे बच्चे फाइनल में आएंगे, क्या उनको आगे भेजने का कुछ रहेगा क्या? नहीं, यहाँ से आगे भेजने का कुछ नहीं है। यहाँ पर फाइनल जो रहेंगे प्रथम और द्वितीय रहेंगे, उनको ट्रॉफी और कैश प्राइज जो दिया जाएगा वो यहाँ से आगे भेजने का कुछ नहीं है उनके लिए। क्या नाम है आप? पुष्पेंद्र गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।